आज मैं पेट्रोल पंप गया और मैंने सबसे पहला क्वेश्चन उनसे पूछा कि मशीन के ऊपर आपने डेंसिटी अपडेट क्यों नहीं कर रखी है। उसके बाद उनका जवाब आया, हमारे ऑफिस में एक रजिस्टर रखा होता है, हम डेली डेंसिटी मेजर करते हैं क्योंकि हमें आगे भेजनी पड़ती है, आप वहां जाकर चेक कर लो। मैंने कहा मैं क्यों जाऊँ वहां पर जब रूल्स के मुताबिक मशीन के ऊपर ऑप्शन भी दिया हुआ है डेंसिटी का, तो आप यहां अपडेट क्यों नहीं कर रहे इसको। उसके बाद उसके पास कोई जवाब नहीं था और बोले यार डेंसिटी कौन पूछते, आप पहले ऐसे कस्टमर जो डेंसिटी के बारे में पूछ रहे हो। पेट्रोल के केस में डेंसिटी 720 से 775 के बीच में होनी चाहिए और डीजल के केस में 820 से 860 के बीच में। अगर डेंसिटी आपको मशीन के ऊपर जो वैल्यू मैंने आपको बताई उससे कम मिलती है, इसका मतलब ये कि क्वालिटी उस लेवल की नहीं है, आपको माइलेज कम देखने को मिलेगी। तो अगर आपको ज्यादा इमरजेंसी ना हो तो ऐसे केस में आपको उस पेट्रोल पंप से ज्यादा फ्यूल नहीं डलवाना चाहिए। और ये डेंसिटी निकालने के लिए डेली सुबह मशीन से थोड़ा सा फ्यूल निकाला जाता है, उसके अंदर हाइड्रोमीटर और थर्मामीटर डालकर डेंसिटी निकाली जाती है। और आप भी किसी पेट्रोल पंप पर जाकर पूछना, बड़े मजेदार रिएक्शन मिलेंगे।